एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति तिवारी। तो आज मैं बाहर कहीं आई हुई थी और मुझे जगह नहीं मिल रही वीडियो शूट करने के लिए, तो मैं फिलहाल मैं अभी यहीं पे वीडियो शूट कर रही हूँ और मैं अभी मार्केट जाने वाली हूँ। तो मैं मार्केट जाती हूँ तो किस टाइप से हेयर स्टाइल करती हूँ वो आप देख लो। ज़्यादातर मैं इसी टाइप से हेयर स्टाइल करती हूँ, तो सब कुछ आपको डिटेल वीडियोज़ में मिलेंगी, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं है, जल्दी से बना लूँगी, तो आप बैकग्राउंड पे मत जाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट पे कुछ इस तरीके का हेयर स्टाइल बनाऊंगी। कल मैंने बताया था, सॉरी दो दिन पहले बताया था कि क्लस्टर से, छोटे वाले क्लस्टर से आप किस टाइप की हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेक जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी एक क्लस्टर है उनके पास पार्टी वार्टी में उन लोग को हेयर स्टाइल बनानी है तो मेरी वीडियो देखकर उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर उनके पास जोड़ा पिन क्लब कुछ नहीं है तो उस वाली वीडियो के जरिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरे चैनल पे काफ़ी इसी तरीके की बहुत सारी हेयर स्टाइल की वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हो फ्रंट से मैं कुछ इसी तरीके से हेयर स्टाइल बना रही हूँ। बस थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं और ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए रखते जाना है, जैसे आप फ्रेंच चोटी करते हो उस टाइप का। बट ये फ्रेंच चोटी नहीं है, आपको सिंपली ऐसे उठाना है और एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है और लास्टली ले जाके आपको यहाँ पे, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पे आपको टिक टेक क्लिप या फिर बॉबी क्लिप से आप इसको यहाँ पे सेट कर दो। ओके, और जो आपका साइड का हेयर है इसको क्या करना है, आपको सिंपली ट्विस्ट करना है इस तरीके से। अगर आपको लेयर्स निकालनी है तो अपने हिसाब से लेयर्स निकाल लीजिएगा। ओके, यहाँ पे ट्विस्ट करने के बाद से यहाँ पे भी मैं एक टिक टेक क्लिप लगाऊंगी। आपके पास जो भी क्लिप हो, मैं यहाँ पे ज़्यादा क्लिप्स लेके नहीं हूँ, जो मैंने अपने बालों में लगाया हुआ था वही है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं उसी से आपको हेयर स्टाइल बता दूँ। आप भी बाहर आ रहे हो, दो चार क्लिप्स लेके आए हो और आपको मार्केट वगैरह जाना है तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हो। बाकी इस साइड से भी आपको इसी तरीके से ट्विस्टिंग कर लेनी है। मैंने आपको पहले ही बोला बैकग्राउंड पे बिल्कुल मत जाइएगा, बैकग्राउंड में बिल्कुल अंधेरा है, बट आपको वीडियो में हेयर स्टाइल अच्छे से क्लियर ही दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना लिया है और अभी मैं तीन मैंने बॉबी क्लिप लगाई है, एक मैं सॉरी तीन मैंने टिक टेक क्लिप लगाई है, एक और बॉबी क्लिप लगाई है। अब इसको मैं सारे बालों को, यहाँ पे थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है इसलिए अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है, सारे बालों को एकदम हाई पोनी बना लेनी है। जो आपका क्राउन एरिया होता है, कई लोग कन्फ्यूज होते हैं क्राउन एरिया का, जो आपके कान की जस्ट ऊपर यहाँ वाला हिस्सा, इसको क्राउन एरिया बोलते हैं। आपको यहाँ पर सारे बालों को एक रबड़ लगा देनी है, रबड़ से टाइट कर लेना है। बहुत इजी हेयर स्टाइल है, बहुत कंफर्टेबल होगी, गर्मियों के लिए तो बेस्ट रहेगा। गर्मियों में आप मार्केट जा रहे हो तो इस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हो। मैंने रबड़ अपने हाथ में ही लगाया हुआ है। अब इसको यहाँ पे आप रबड़ बैंड से टाइट कर दो बालों को। अगर आपको जो आपका हेयर स्टाइल है वो लंबे टाइम तक रखना है तो आप जैसे आप ट्विस्टिंग करोगे तो ओनली क्लचर से मत कीजिएगा, हल्का सा बालों को ट्विस्ट कर लेना है और इस तरीके से, तो इस तरीके से ट्विस्ट करके सिंपली इस तरीके से लेके जाना है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो यू क्लिप से अपने जुड़े को अच्छे से सेट कर दीजिए, तीन चार छोटा क्लिप लगा दीजिए। ओके, ये है मेरा फाइनल लुक और देखिए कैसा कितना प्यारा लग रहा है। वैसे बैक से कुछ इस तरीके से कर लेते हैं और देन यहाँ पे बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। ये मेरा मायका है, यहाँ पर मैं आई हुई थी तो मुझे वीडियो शूट करने के लिए जगह नहीं मिला था। अभी मैंने नीचे वीडियो शूट की थी तो काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा आ रहा था, तो मैं सोचा यहाँ पे आके कर लूँ। काफ़ी जोरों की आंधी तूफान आ रही है और बारिश भी होने वाली है अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी क्लियर आ रही है तो मैंने सोचा यहाँ पे आप लोग को दिखा दिया। ये है हेयर स्टाइल का फाइनल लुक, और भी इस तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए और न्यू आइडियाज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा एक और चैनल है सॉरी सिलाई कोर्स, जिसमें मैं सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ आप लोग के पास लेके आती हूँ, जो कि बहुत ही बारीकियाँ जो सिलाई में आप लोग मिस्टेक करते हो सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंस्टा आईडी प्रीति 24 मेरी रील्स वीडियो देखने के लिए वहाँ पे जरूर जाएगा। बाय बाय।